हम खर्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक शादी के पीछे लाखों रुपए खर्चा होता है। तो जो अभी तक आप शादियां करवा चुके हैं, करीबन 3,000 से ऊपर शादियां करवा चुके हैं, तो एक खर्चे की बात कर लें, एक शादी के पीछे कितना खर्चा आता होगा और वो आप कैसे मैनेज करते हैं? हमने 2008 में जब ये शुरुआत किया तभी एक बेटे के पीछे करीबन 4.5-5 लाख का खर्चा होता था। मीन्स ये सभी बेटियों की चॉइस अलग अलग होती है, सबका दागिना का भाई अलग अलग होता है, सबका कपड़े का भाई अलग अलग होता था। लेकिन अभी इतने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए कि आज ज्वेलर्स है वो भी हमारे साथ में जुड़ गए, आज कपड़े की दुकान वाले जो जो कपड़ा मार्केट में 15,000 का मिलता है वो हम लोगों को 5,000 में मिलता है। तो ऐसा करके अभी हमारी शादी का जो खर्चा है वो करीबन 2-2.5 लाख रुपीज में वो आ गए, मीन्स 50% माइनस में आ गए। और उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं कि हम हमारा नाम देना नहीं चाहते कि हम ये हमारी आपकी बेटियों के लिए ये एक्स्ट्रा करेंगे, आज हमारी सभी बेटियों को हम लोग कुल्लू मनाली भेज दें। तो एक कपल का करीबन 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा होता है 12-13 दिन का जो टूर होता है। तो ये हमारी वो टूर भी 10-12 हज़ार में हो जाती है, क्योंकि सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारा कुल्लू मनाली भेजते हैं तो वहाँ का जो एसोसिएशन है होटल एसोसिएशन वो हमारे साथ में जुड़ गए, वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो हमारे साथ में जुड़ गए। मीन सभी लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं और इसलिए हमारा परिवार भी बड़ा होता जा रहा है और हम लोगों को सपोर्ट भी मिलता जा रहा है।